हाय फ्रेंड्स, आज हम आलू अंडा करी बनाने जा रहे हैं। इसलिए 6 अंडे लिए, 4 आलू, 1 प्याज और 2 टमाटर, लहसुन की कुल्ली, 1 लीटर पानी ले लिया। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और आलू और अंडे बॉईल करेंगे 20 मिनट तक मिडल आंच में। प्याज को इस तरह से मोटा मोटा काट के तैयार कर लिए, टमाटर की प्यूरी बना ली, लहसुन कूट के तैयार कर लिए। 20 मिनट हो गए, अंडे हमारे उबल के तैयार हो गए। अंडे और आलू हमने इस तरह छील के तैयार कर लिए, हम उसे कट करेंगे इस तरीके से। आलू के हम 4 पीस करेंगे, अंडे के 2 ही पीस करेंगे और अंडे हमने इस तरीके से काट के तैयार कर लिए। घी वाला चम्मच हमने तेल ऐड कर लिया, थोड़ा सा हम लहसुन करेंगे, तेल हमारा गर्म हो जाए उसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, लहसुन भून गए, अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। 2 मिनट तक हम मिडल आंच पे भूनेंगे। हमारे प्याज भून गए, अब इसके अंदर हम टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे, इसको भी 2 मिनट तक हम भूनेंगे मिडल आंच पे। हो गए, अब इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसको 2 मिनट तक हम धीमी आँच में पकाएंगे। 1 मिनट हो गए, अब इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे, 1 मिनट तक हम मिडल आँच में पकाएंगे। मिनट हो गए, इसमें 1 बोल पानी ऐड करके 2 मिनट तक मिडल आँच में पकाएंगे। 1 मिनट हो गए, अब इसके अंदर हम आलू और अंडे ऐड करेंगे। अब इनको 2 मिनट तक हम मिडल आँच में पकाएंगे। 2 मिनट हो गए, अब इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करके 5 मिनट तक हम मिडल आंच में पकाएंगे। 5 मिनट हो गए, हमारे आलू अंडे की सब्जी बनके तैयार हो गई। इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और गैस की फ्लो बंद कर देंगे।